प्रथम दृष्टांत इसको फाइल को खारिज करके दख्त दाखिल कर दिया जाए और आवंटन करने की सूरत में फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा, न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। हमारे गांव की जमीन है, हमारे लोगों को काम आनी चाहिए। विजयनगर की प्राज्ञ जैन स्मारक समिति को पुष्कर में भूमि आवंटन का दर्ज हुआ विरोध। पार्षदों और विभिन्न संगठनों ने सुनवाई में भूमि आवंटन की दर्ज कराई आपत्तियां। विजयनगर की श्री प्राज्ञ स्मारक समिति को पुष्कर में नगर पालिका की ओर से प्रस्तावित भूमि के निशुल्क आवंटन को लेकर लगातार विरोध जारी है। आज जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने अधिशासी अधिकारी के समक्ष भूमि आवंटन पर पूर्व में दी गई अपनी आपत्तियों पर अपने दस्तावेज पेश कर अपना पक्ष रखा, जबकि आवेदनकर्ता संस्था की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। पार्षद रवि बाबा ने भूमि आवंटन का विरोध दर्ज कराते हुए बताया कि पुष्कर में स्थानीय लोगों के लिए खेल मैदान, सार्वजनिक उद्यान, लाइब्रेरी, अस्पताल सहित दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पालिका की ओर से जमीन आवंटित नहीं की जा रही है, जबकि एक बाहरी संस्था को नियम विरुद्ध आवंटन की तैयारी में लगे हुए हैं। रवि बाबा ने कहा कि उनकी ओर से मजबूत दस्तावेजों के साथ आपत्ति पेश की गई है और आवेदनकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है। ऐसे में भूमि आवंटन की पत्रावली खारिज की जानी चाहिए। इसके बावजूद भी नियम विरुद्ध आवंटन किया जाता है तो पुष्कर के लोगों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय की शरण भी ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर पार्षद टीकम शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से स्थानीय निकायों में निःशुल्क भूमि आवंटन अधिनियम 2015 में जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार केवल महाविद्यालय को ही 10,000 वर्ग गज जमीन आवंटित की जा सकती है। किसी संस्था को इतनी बड़ी जमीन आवंटित करना नियम विरुद्ध है और आम लोगों के विरोध को देखते हुए भूमि आवंटन की पत्रावली सार्वजनिक हित में खारिज कर देनी चाहिए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि आपत्तिकर्ताओं की आज सुनवाई की गई है, आपत्तियों के गुण अवगुण की विवेचना कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी गहलोत ने कहा है कि आवेदनकर्ताओं ने आवेदन कर दिया है, इसलिए उनकी उपस्थिति आपत्तिकर्ताओं से ज्यादा जरूरी नहीं है। ये काफ़ी दिनों से एक प्राज्ञ जैन स्मारक समिति की जमीन के आवंटन को लेकर एक प्रक्रिया चलाई जा रही थी पुष्कर नगर पालिका द्वारा। तो पुष्कर जनता मतलब पुष्कर आम जनता की तरफ से और हमारी तरफ से ये हमने विरोध प्रदर्शन किया है कि बाहरी संस्थाओं को जमीन नहीं देकर पुष्कर में जो मूलभूत सुविधाओं की जो भारी कमी चल रही है, ना तो हमारे लिए यहाँ खेल मैदान है, ना कोई अच्छा अस्पताल है, ना अकेडमी है, ना कोई अच्छा गार्डन है, ना कोई लाइब्रेरी है, और भी बहुत सी चीज़ें बनने को यहाँ तैयार है, लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी ज़मीन ऐसा आवंटन नहीं किया जा रहा है और बाहरी संस्थाओं को करोड़ों अरबों रुपये की संस्था मतलब इनको आवंटन किया जा रहा है। तो इसका हम विरोध करते हैं। पुष्कर की आम जनता भी विरोध में उतर गई है और आज हमने करीब 40-50 आपत्तियाँ यहाँ दर्ज करवाई है और इनको ये बोला है। दूसरी बात, यहाँ पे आज आवेदकों को भी बुलवाया गया था, वो दूसरी तारीख में नहीं आए हैं, तो हमने ईओ साहब से निवेदन किया है कि जब आवेदक आए नहीं हैं तो एक तरफा फैसला करके इस फाइल का निस्तारण किया जाए और पुष्कर की आम जनता को जल्दी से जल्दी राहत प्रदान की जाए। सर, अगर आवंटन कर दिया गया तो फिर क्या होगा? आवंटन करने की सूरत में फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा, न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। हमारे गाँव की जमीन है, हमारे लोगों को काम आनी चाहिए, दूसरी संस्थाओं का यहाँ क्या काम है। आज प्राज्ञ जैन संस्था द्वारा 10,000 वर्ग मीटर की जमीन मांगी गई है, जबकि उन्होंने भूमि आवंटन अधिनियम के तहत 2015 के तहत मांगी गई, जबकि भूमि आवंटन अधिनियम में 2015 में 10,000 वर्ग की जमीन सिर्फ महाविद्यालय को दी जाती है। इसे हमने श्रीमान से अनुरोध करके कहा कि इस प्रथम दस्तान इसको फाइल को खारिज करके दख्त दाखिल कर दिया जाए और आम जनता भी ये चाहती है। टीकम शर्मा, पार्षद। आज ज्ञापन नहीं, आपत्ति सुनवाई की तारीख मांगी गई थी आपत्तिकर्ताओं के द्वारा, तो उस वो तारीख देने के पश्चात उनके द्वारा आपत्तियाँ दी गई। आवेदक ने आवेदन कर दिया, उसके बाद आपत्तिकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसमें क्या फैसला होगा सर? अब आपत्ति जो दी गई है उसके बाद उसके गुणावगुण का विवेचन करके जो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।